एक उसको थोड़ा सा चेंज हो जाए। ये हमारे पास भी एक टेक्निक है जिससे हम क्विक रिजल्ट पेशेंट को दे सकते हैं, और जो आप रिपोर्ट के अंदर भी जिस चीज़ का महसूस कर सकते हैं, हाँ ये चेंजेस आया है। ये धारणा बनी हुई है ना कि आयुर्वेद स्लो काम करता है, ये धारणा अपन लोगों की ही देन है, किसी और ने नहीं बनाई है। सबसे पहले यदि ये बात किसी ने कही है तो एक अज्ञानी वैद्य ने कही है, ठीक नहीं, ये किसी और व्यक्तियों ने नहीं कहा, ये हमने ही कहा है, हमने ही अपने आयुर्वेद को स्लो बता दिया क्योंकि हमें उसका ज्ञान था ही नहीं, नॉलेज ही नहीं थी। आज भी यही होता है, पेशेंट जब साल छः महीने आपके पास चल जाता है तो फिर चिकित्सक यही कहता है कि यार अब आयुर्वेद धीरे धीरे ही काम करेगा, तो अपनी बला उस पर आयुर्वेद के माथे मर देता है वो, जबकि आयुर्वेद से फास्ट तो कुछ है ही नहीं। आप मेडिसिन बेस पे भी लोगे ना तो भी आज देखो आप मलेरिया को एलोपैथ 72 घंटे में कंट्रोल करता है, आयुर्वेद सिर्फ 24 घंटे में कंट्रोल करता है, तो फास्ट कौन हुआ? डायबिटीज़, थायराइड, बीपी, ज़िंदगी भर दवाई खानी है, आयुर्वेद में साल 6 महीने अच्छे चिकित्सक के पास इलाज करा लो, हमेशा के लिए बीमारी ख़त्म, तो फास्ट कौन हुआ? तो ये सब चीज़ें हमारे ही वो कमजोरियां जो है ना, हमने आयुर्वेद के मत्थे मर दी कि आयुर्वेद धीरे काम करता है, नहीं तो हम तो बहुत फास्ट है, हाँ हम तो अभी कभी ठीक कर दें। तो ये चीज़ें चली आ रही है धीरे धीरे, परिपाटियाँ ऐसी बन चुकी है, तो लोगों के मन में बैठ गया ये आयुर्वेद, तो इसी थीम पे मैंने काम किया था शुरू से ही, और मैंने ये प्रूव किया कि आयुर्वेद स्लो नहीं है, आयुर्वेद से फास्ट कुछ ही नहीं, लेकिन और वाकई में नहीं है, आयुर्वेद बहुत फास्ट है। जब शुरुआत हुई ना तब इसी सोच के साथ हुई थी, अभी जैसे अपन सर्जरी की बात करते हैं, कोई भी आवाज़ तो आ रही है मेरी, तुम लोगों तक आ रही है अच्छे से है? अभी जब किसी भी बीमारी के लिए सर्जरी की बात आती है ना, तो आपको कोई भी परेशानी हो, जैसे मेरी जो सोच है उसमें ये है कि दो तरह की सिचुएशन अपने सामने रहती है, एक तो वो बीमारियां हैं जिनमें दर्द होता है, पेन है ना, एक वो बीमारियां हैं जिनमें दर्द नहीं होता है, है ना। दर्द वाली बीमारियां अपन वात रोगों के अंतर्गत लेते हैं, है ना, अपन ये मानते हैं कि वायु के कारण पेन होता है, और बाकी जो चीज़ें हैं वो बिना दर्द वाली, जिसमें एब्डोमिन से संबंधित आ गई, एसिडिटी आ गई, बीपी आ गई, शुगर आ गई, थायराइड आ गई, है ना, ऐसे कोई नर्वाइन बहुत सारी है, पार्किंसंस आ गया आपके, है ना, बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जिनमें दर्द नहीं होता, लेकिन जिनमें दर्द होता है वो ज़्यादा तकलीफदेह होती है, क्योंकि दर्द आदमी से सहन नहीं होता है ना, और वही उसको मजबूर करती है सर्जरी की तरफ बढ़ने के लिए। यदि व्यक्ति को दर्द, घुटने वाले को दर्द नहीं है, वो क्यों ऑपरेशन कराएगा, क्या पड़ी उसको, एवियन में यदि दर्द नहीं है तो क्यों सर्जरी कराने लगा, है ना। तो ये जहाँ दर्द है ना, चाहे वो पेट का ही दर्द हो, कोई सा भी दर्द हो, वो सर्जरी की तरफ लेके जाएगा आपको, आपका दर्द है ना। और आजकल क्या चल रहा है, पेन मैनेजमेंट एक बीच का रास्ता है, पेन मैनेजमेंट, भाई आपको जब तक सर्जरी पे नहीं जाना है तब तक कोशिश करो पेन को मैनेज करके रोके रखो अपने आप को, तो उस पर भी आजकल बहुत सारे काम चल रहे हैं, पेन मैनेज, तो जितनी भी टेक्निक्स है वर्ल्ड के अंदर वो सिर्फ पेन मैनेजमेंट है, पेन को मैनेज करके आपके ऑपरेशन की तारीख को बढ़ाते रहना, लेकिन अंततः उसका भी वो ये परिणाम को ऑपरेशन कराना ही है। और जहाँ बिना दर्द वाली तकलीफें हैं वहाँ ज़िंदगी भर दवाई खानी है, रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा है उसका कोई प्रमाण नहीं है, आप शुगर की दवाई खा रहे हो उससे ज़रूरी नहीं कि आपकी शुगर कंट्रोल हो रही है, क्या प्रूफ है तो उससे कंट्रोल हो रही है, आप थायराइड की दवाई खा रहे हो क्या प्रूफ है कि उससे थायराइड कंट्रोल हो रहा है, यदि वो कंट्रोल कर पाती तो ठीक भी कर सकती है। भाई कोई भी मेडिसिन हो किसी बीमारी के लिए भी पर्टिकुलर बनी है वो, ठीक नहीं, तो वो उसको ठीक करेगी, कहीं ना कहीं उस पर इफ़ेक्ट डालेगी, उसके सिस्टम को सही करेगी, उसके जो फिजियोलॉजी है उसकी, उसको कहीं ना कहीं चेंज करेगी, लेकिन ये क्या कि आपको ज़िंदगी भर खाते रहना है,
तो जिंदगी भर खाने से उसने क्या किया अपने शरीर में? कुछ भी तो नहीं किया फिर, क्या किया? कुछ नहीं किया उसने, बेवकूफ़ बनाने वाला काम है। हाँ, आप मत खाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप मत खाओ, भी आपको बीपी की गोली चल रही है, आप मत खाओ, साल भर मत खाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कभी कभी बीपी शूट हो गया तो हो गया, वो तो वैसे भी होता है, अपन को थोड़ी पता चलता है। कई लोगों के नॉर्मल जो रेंज होती है वही उससे नॉर्मल रेंज से ज़्यादा होती है, शुगर की भी नॉर्मल रेंज से ज़्यादा होती है, मैंने देखा है प्रैक्टिकल में, कोई फ़र्क नहीं हुआ उनको, कोई सिम्टम्स नहीं, कोई कुछ नहीं। ये सिर्फ एक वो भ्रम है जिसका डर है, डर बैठा कि उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, जो मॉडर्न साइंस जो अपने आप को कहते हैं ये उसका बेनिफिट उठा रहे हैं और कुछ नहीं। भाई आज कोई भी मेडिसिन, अपन एक छोटा सा उदाहरण ही ले लें, अपन कोई भी बीमारी है, कोई पेशेंट अपने पास आता है, अपन आयुर्वेद की दवा उसको चालू कर देते हैं, यदि वो साल भर खा लेगा तो अमर ही हो गया यार। साल भर अपन सही डायग्नोस करके दी मेडिसिन दे दी, मजाल क्या जो बीमारी नहीं ठीक हो। साल भर यदि कोई नियमित रूप से सेवन कर ले किसी चीज़ का तो मजाल क्या जो बीमारी ठीक नहीं हो। पर अपने यहाँ तो पथ्य व्यवस्था इतनी सटीक है जो दुनिया में आज उसको फॉलो कर रहे हैं, पथ्य व्यवस्था को। आज मिलेट्स पे जा रहे हैं लोग, आज कह रहे हैं कि साहब ये रो डाइट खाना चाहिए, आज कह रहे हैं कि साहब आपको ये गेहूँ नहीं खाना चाहिए। अरे आयुर्वेद तो हजारों साल पहले चिल्ला चिल्ला के बेचारा बैठ गया, तुम कहाँ से कोई नए थोड़ी लाए हो, जो चीज़ें हैं उन्हीं को तुम पढ़ पढ़ कर अपना दिमाग लगा लगा के सामने ला रहे हो। तो हम पहले ही बोल चुके आपसे कि आपको ये खाना चाहिए, डाइट प्लान ये होना चाहिए। भाई पथ्य व्यवस्था तो आयुर्वेद ने दी दुनिया को, कुछ भी नहीं था पहले। अरे खाना बनाना भी आयुर्वेद ने सिखाया, मसाले आयुर्वेद की तो देन, नहीं तो आज काई का जायका, सब जायके ख़राब हो जाते। तो ये सब चीज़ें वहाँ से चली है, लेकिन आजकल क्या है कि डाइटिशियन बन गए आपके, आयुर्वेद वाले पीछे रह गए। ठीक नहीं, अपन कहते भाई ये परहेज करना चाहिए, अपन परहेज को लेकर रह गए, वहाँ नया नाम दे दिया डाइटिशियन, और वो बढ़िया कमा रहे हैं, खा रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, नॉलेज के नाम पे कुछ भी नहीं है। विरुद्ध आहार खिलाते हैं आराम से, बीमार करते हैं लोगों को, और डाइटिशियन बने फिरते हैं। तो आजकल बहुत ज़्यादा भ्रम है, दिखावा बहुत ज़्यादा हो गया, निकली हुई सब चीज़ें यहीं से है, बाकी अपन लोग पिछड़ गए इन चीज़ों में। तो इसी सोच के साथ हमने काम चालू किया है ना, जब पेशेंट आने लगे, ट्रीटमेंट करने लगे है ना, मेडिसिन देते थे, मेडिसिन से बीमारियां ठीक होती थी है ना, बहुत सारी बीमारियां थी ऐसी जो बिल्कुल ऐसा लगता था कि लाइलाज है, लेकिन फिर भी मेडिसिन से, उसके लिए सही डायग्नोस की आवश्यकता पड़ती थी। सही डायग्नोस से आप कुछ भी दोगे ठीक हो जाएगा पेशेंट, तो मेडिसिन से बहुत अच्छा रिजल्ट हमें मिलने लगे। बाद में वो है ना कि जैसे जैसे आपका नाम होता है, जैसे जैसे सफल होते हो तो आपके सामने चुनौतियाँ भी बड़ी होती जाती है ना। पहले बुखार के, सर्दी जुकाम के इनके पेशेंट आते थे, फिर साइटिका स्लिप डिस्क के आने लगे, फिर पैरालिसिस के आने लगे, फिर तो ऐसे आने लगे उठा के लाते थे मरे हुए। तो आपके सामने चैलेंज बढ़ते जाते हैं जैसे जैसे आप फेमस होते हो, जैसे जैसे आपका नाम होता है, अपन को लगता है कि बस अब अपन चैम्पियन हो गए, अब तो अपन ने ये भी ठीक कर दिया। अभी पता चला दूसरा पेशेंट आया, वो अपन को फिर चौंका गया, अरे यार अब इसमें क्या करें। तो हर पेशेंट आपको कुछ न कुछ नया करने की प्रेरणा देता है, अब वो आपके अंदर कितना उसमें करने की क्षमता है, कितनी सीखने की जिज्ञासा है, कितना समझने की वो आपके अंदर है, तो उस पर डिपेंड करता है। आपको लगता है कि यार इसमें कई लोग हाथ झाड़ लेते हैं क्या होएगा है ना, कई है ना हिम्मत हार जाते हैं अब क्या होएगा। यदि आपके पास कोई पेशेंट आता है ना, उसके पास इतनी बड़ी फाइल है, लोग साहब एम्स में एक साल इलाज कर लिया मैंने है ना, और बड़े बड़े हॉस्पिटलों में मैंने इलाज कर लिया, फलां बेंगलोर जाया मैं, दिल्ली जाया, बॉम्बे जाया, चेन्नई जाया, ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी मैंने, ये बड़े बड़े डॉक्टरों की फाइल है। आपका तो सारा पेशेंट वहीं ख़त्म हो गया, कॉन्फिडेंस वहीं ख़त्म हो गया आपका। तो अरे यार जब एम्स में दिखाया अपन क्या कर सकते हैं, ठीक नहीं।